बाल सफेद हो चुके हैं, बहुत वाइट हो चुके हैं। गार्नियर करूं, लोरियल करूं, स्ट्रिक्स करूं, मैट्रिक्स करूं, क्या करूं क्या करूं, जो लंबे समय तक मेरे ये वाइट बाल वाइट ना रहे, कलर करूं तो वह सुंदर दिखे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। आप सोच रहे हो कि देखिए मैडम वेलकम वगैरह तो की नहीं, ये क्या हो गया उनको, तो चलिए वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है हेयर कलर, जो कई मेरी फ्रेंड को ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं तो हेयर कलर बहुत अच्छे प्रोफेशनल जगह से करवाती हूँ, पर वो 1 वीक में ही, 3 दिन में ही वो निकल जाता है। इसका सोल्यूशन कुछ बताइए, कुछ सिखाइए, क्या करूँ कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मुझे किसी फंक्शन में जाना है और मेरा बाल ना एक देखिए वाइट सा दिख रहा है, कलर करवाने के बाद भी क्या करूँ, इसको कैसे कवर करूँ, पार्टी कैसे अटेंड करूँ। डोंट वरी, मैं हूँ ना, या बहुत सारे सोशल मीडिया है जिसपे ये बहुत सारे टिप्स आपको मिल जाएंगे। चलिए वो तो बात की बात है, किसने क्या बताया, मैं जो बता रही हूँ वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एज अ ऑनर एक पार्लर की, मैं काफ़ी टाइम से एक पार्लर रन कर रही हूँ और मेरे पास बहुत सारी क्लाइंट आती हैं और पूछती हैं कि मैडम मैं कौन सा हेयर कलर करूँ जो लॉन्ग लास्टिंग रहे। देखिए कलर आप कुछ भी यूज़ कीजिए, वो बहुत ज़्यादा तो 1 मंथ ज़रूर रहेगा, लेकिन हाँ काफ़ी मेरी फ्रेंड को परेशानी होती है कि उन्होंने कलर करवाया, 2 से 3 दिन या 1 वीक में उनका कलर रिमूव हो जाता है, उनको फिर से टचअप करना पड़ता है। तो आप लॉन्ग लास्टिंग हेयर के लिए क्या करती हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन आगे मैं जो बता रही हूँ वो टिप्स ज़रूर आपने अप्लाई करना। आप घर में कलर करो या किसी सैलून में जाके कलर करवाओ, लेकिन ये टिप्स आप अपने जो पार्लर के ओनर हैं या घर में जो कर रही हैं उन पे बहुत ज़रूरी लागू होता है। तो काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होता है कि मैम कौन सा बहुत बेस्ट है, अमोनिया फ्री है। तो देखिए एक तो फैक्ट है कि जैसे लोरियल का प्रोफेशनल जो होते हैं, जो सैलून में इस्तेमाल होते हैं, उसमें काफ़ी हद तक अमोनिया नहीं होते हैं, अमोनिया फ्री होते हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। गार्नियर में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उसको आप हिसाब से कीजिए। स्ट्रिक्स के जो मैट्रिक्स के स्ट्रिक्स के जो प्रोफेशनल आते हैं, ये 2 कलर रहते हैं, वो 90% 80% तक अमोनिया फ्री रहते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और एक मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। ऐसे मैं बोलूँगी कि 100% अमोनिया नहीं होता है, ये झूठ है, ठीक है, वो आप भी जानते हो झूठ है। अब देखिए ये जो गार्नियर आते हैं ये डब्बा में आता है, इसमें आपको डेवलपर इसके साथ रहता है, ये वाला भी जो गार्नियर आता है डब्बा वाला, इसमें भी डेवलपर साथ में होता है, जो आप बहुत आसान तरीके से इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आपका स्ट्रिक्स का हो गया, मैट्रिक्स का हो गया, सिर्फ कलर बेस में आता है, जो इस तरह का आपका इसका पैकिंग रहेगा, ये देखिए है ना, इस तरह का ट्यूब में आता है। आप ब्लैक ले सकते हो, सॉफ्ट ब्लैक ले सकते हो, ब्राउन ले सकते हो, बरगंडी ले सकते हो, जिस तरह के आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है आप उस तरह ले सकते हैं। दूसरा मैट्रिक स्ट्रिक्स सेम आपका ट्यूब में आता है, तो ये तो सिर्फ ट्यूब है, इसको इस्तेमाल कैसे करें, इसमें डेवलपर कैसे मिलाएं, कितना वैल्यूम का मिलाएं और डेवलपर कितने तरह के होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इसे हम अपने घर में रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी काफ़ी क्लाइंट सोचती होंगी कि ये तो प्रोफेशनल है, ये तो सैलून में ही इस्तेमाल होगा, इसका चार्जेबल भी काफ़ी हाई है, 700, 800, 1000 जैसा लेंथ होता है उस तरह से इसका आपका प्राइस होता है। तो क्या इसे घर में रख सकते हैं, क्या ये मार्केट में मुझे मिल जाएगा, तो ये थोड़ी सी सोचने की बात है, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल कलर होते हैं ये आपको 90% तो मार्केट में नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं मार्केट में जो बहुत अच्छे मतलब सेलर होते हैं पार्लर प्रोडक्ट के, हो सकता है उनके पास आपको अवेलेबल मिल जाए, पर 80-90% चांस नहीं है कि ये आपको बाहर में मिले, ये आपको एक पार्लर के ओनर के पास ही मिलेगा, आप उनको ऑर्डर दे के मंगवा सकते हो।
ठीक है, ये बहुत प्रोफेशनल कलर है, लोरियल हो या गार्निया हो गया, स्टिक हो गया, मैस्टिक्स हो गया, ये सब आपको बहुत प्रोफेशनल कलर में आते हैं। अब प्लस आपको मैं ये बता रही थी कि ये तो सिर्फ क्रीम आता है, इसको हम यूज़ कैसे करें। ओके, तो ये है डेवलपर, आप इसमें देख सकते हो कि ये 20% वॉल्यूम वाला डेवलपर है। तो ये जो 20% वाला जो डेवलपर है वो किस में यूज़ होता है, मेरे जैसे जो मैंने पूरे बालों में ग्लोबल किया हुआ, अभी तो थोड़ा फेड हो गया, मैंने पूरे बालों में ग्लोबल किया हुआ है, या जो हम लोग पतले पतले स्ट्रिक्स करवाते, काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, रेड में करवाते हैं, गोल्डन में करवाते हैं, फंकी कलर में करवाते हैं, तो उसमें क्या है 20% यूज़ होगा, 30% यूज़ होगा या फिर 40% यूज़ होगा। ये अगर नए सैलून जो खोल रही हैं या खोल के बैठी हुई हैं, ये जो घर में इस तरह के क्लाइंट यूज़ करते हैं, उनको काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि कितने वॉल्यूम का हमें डेवलपर अप्लाई करना चाहिए। तो इसके लिए छोटी सी वीडियो यही है कि जिनका ग्रे हेयर है, मतलब जिनका वाइट हेयर है, वो नेचुरल्स ब्लैक या सॉफ्ट ब्लैक 3.16, मेरा ये आपका कलर है बरगंडी में, ये है सॉफ्ट ब्लैक जो 1.1 के इसमें आता है नंबर में, इसे मैं यूज़ करती हूँ। और मैं इस दोनों में जो ब्लैक वाला है ना, इसमें आपका जाएगा 20 वॉल्यूम, क्योंकि ये सफ़ेद बालों को काला करता, अगर इसमें 30-40 डाल देंगे तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे तो कलर आ जाएंगे लेकिन जो आप रिजल्ट चाहते हो, जो क्लाइंट रिजल्ट चाहता है, वो नहीं आता है। तो क्या करें, तो आप स्पेशल ध्यान रखिए कि जब हम किसी के बालों में, सफ़ेद बालों में कलर यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल कलर यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें 20 वॉल्यूम का डेवलपर यूज़ करना है। और प्लस अगर हम किसी में हाईलाइट करते हैं, आप बाल को ग्लोबल करते हैं, तो कितने परसेंट का डेवलपर हमें यूज़ करना चाहिए, अगर इसका नॉलेज नहीं है या इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन इसका जो मैंने आपको उपाय बताया है, जो लगाने का तरीका बताया हो, तो मैंने बताया कि 20% वॉल्यूम डेवलपर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा टेंशन है कि हम अपने कलर को 1 मंथ कैसे रखें, सबसे बड़ी समस्या। तो बस चुटकी में इसका सलूशन है कि आप देख सकते हैं जो वाइट ग्रे बाल हैं, हमने इसे कलर किया, ठीक है, कलर करने के बाद क्या किया, इसे शैम्पू कर दिया। शैम्पू क्यों किया, आगे इसे फिक्स तो होने दो, फिक्स करने में कम से कम 24 घंटे का समय लगता है। आपने 1 घंटा पहले अपने बालों में कलर चढ़ाया, उसके बाद उसे 2 सेकेंड में शैम्पू करके वॉश कर दिया, तो जो फिक्स ही नहीं हुआ वो तो उतरेगा ही ना। अब जो उतरेगा वो कितने दिन तक रहेगा आपके बालों में, बिल्कुल नहीं रहेगा, 2 से 3 दिन, 1 वीक में आपके बाल फिर सफ़ेद हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, पहले अपने बालों में जो कलर यूज़ किए हैं उसे 1 घंटा उसको रखिए, है ना। उसके बाद ठंडे पानी, ये भी याद रखिए कि हमेशा बालों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, या बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है तो हल्का वॉर्म वाटर कीजिए, उससे धोइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ठंडे पानी से अपने बालों को वॉश कीजिए, ठीक है। उसके बाद ठंडे पानी से वॉश किए, आपको लग रहा है इरिटेशन, इचिंग नहीं, कलर है, दिख रहा है, तो मुझे भी पता है कि दिख रहा है, तो आप एक काम, कहीं फंक्शन में जाने से 2 दिन पहले कीजिए कि आपको इन्नी, मतलब ऐसा नहीं करना पड़े और आपका स्कैल्प ब्लैक ना दिखे उसके लिए। और तीसरा पॉइंट ये कि जब हम शैम्पू कर देते हैं तो हमारा उतर जाता है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आप अच्छे से अपने स्कैल्प में हेड उंगली को देख के अच्छे से थोड़ा हल्के हाथों से उसे रूट में मसाज कीजिए, वो निकल जाएगा। अब प्लस शैम्पू की आदत है तो उसके लिए कंडीशनर आता है, जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ में कंडीशनर मिलता है, या आपको जो फेवरेट कंडीशनर है वो आप रखते ही हैं, उसे लेके अपने बालों में इस्तेमाल कीजिए, 5 मिनट छोड़िए, उसके बाद वॉश कीजिए, देखिए आपके बाल भी सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइन हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। उसके दूसरे दिन आप
हेड वॉश कीजिए शैम्पू से एनी टाइम, मतलब जब मैंने कलर किया उसके जस्ट बाद कभी भी शैम्पू नहीं करना चाहिए। इस बातों का आप ध्यान रखिए। अगर मेरी बात आपको सही लगती है तो इस चीज़ को आप यूज़ करके देखिए। अगर आपको ये लॉन्ग लास्टिंग ना दे तो मुझे आप बताना कि आपके पास तो नॉलेज है नहीं, आप फालतू का बकवास करते हो। लेकिन मैंने जो बताया है उसे आप प्लीज़ अप्लाई करके देखिए कि कभी भी शैम्पू के तुरंत बाद कलर के तुरंत बाद शैम्पू ना करें। अपने कंडीशनर से अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश करके कंडीशनर यूज़ करके उसे एक दिन तक छोड़ दीजिए। उसके दूसरे दिन बाद हल्का ऑयल मसाज करके आप अपने बालों को वॉश कीजिए। देखिए ये ज़रूर 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 लॉन्ग लास्टिंग होगा। और जो एक दो बाल आपके ग्रे बच जाते हैं, वाइट बच जाते हैं, उसे तो मैंने बताया है कि किस तरह से आपको हल्का सा अपने वाइफ लेड दीदी बहन का इस्तेमाल करना है मस्करा, और उसके सफ़ेद बालों को काला करना है। आप इस टेक्निक को यूज़ करके किसी भी पार्टी में अब तुरंत जा सकते हैं, आप अपने बालों को सिल्की सुंदर बना सकते हैं, है ना। बस इसी छोटी से टॉपिक के साथ आज हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। आपकी फ्रेंड रुमा। और प्लीज़